out of almost, we have 200 to 250 candidates who come for NDA's election in one batch. And out of these, we have only 35 to 40 candidates who are screened in. And out of these 35-40, ultimately, only 5 to 6 or 7 or 8 are the ones who are actually recommended. So it's a tough selection. You see the percentage? How much percent? What percentage is this? Of 250. How much is 5? It is very, very less. Very, very less. So it is not that simple to join the defense force like that. You have to work hard. And the basic premise, what I am saying is that main energy mein bol raha hu to aadhi baatein shayad aap logon ko samajh mein na aa rahi hai aur main aapse sawal puchu to aap shayad angrezi mein usse jawab nahi de paye. This is our biggest problem in this area, Lucknow, UP, entire UP Bihar area. Our communication skills are low. We lack communication skills. This is a very, very important factor. Aur aaj maine yahi cheez wahan bhi batai hai, communication skills. This is what we need to improve our personality. And मेरा आज का बस यही बताना होगा आपको कि जो भी काम करें, try to perform well, improve your personality, and try to improve your communication skills by talking more and more in English language. The entire process of selection from this to this is going to be in only English. There is no Hindi in it. It's all English. And you ought to be fluent in English to get selected. और ये मुश्किल काम नहीं है. अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, हम फोकस्ड हैं, और जैसा कि आप कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, बिना सैलरी काम करने तैयार हैं, तो आप में वो जोश है, आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड मीट द बेंच मार्क विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस फोर्सेज. स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई बिकॉज एक बिजनेस मैन है, एक इंजीनियर है, लाखों इंजीनियर है. इंजीनियर एक काम करता है, उसके साथ 15 और इंजीनियर काम करते हैं एक प्रोजेक्ट. एक की गलती की तो दूसरा संभाल लेगा, दूसरा संभाल लेगा, कई लोग पूरा ग्रुप है. बट डिफेंस फोर्स में देर नो सेकेंड चांस. अगर आप पोस्ट पे खड़े हैं, आपके नीचे हजारों आपके जवान से, दे ऑल लुक अप अपॉन यू कि आप क्या ऑर्डर देने वाले हैं, कि हम धावा बोले कि पोस्ट छोड़ दें. और उनकी जिंदगी का सवाल, या तो वो सब के सब शहीद हो जाएंगे और या सब बच जाएंगे. आप एक वर्ड ऑफ You can't take a chance. You can't have a wrong person guarding our borders, defending our frontiers. We have to carefully pick such people who are not only good personalities, who can think fast, who have good decision-making abilities, who are good in communication skills, who are good in passing the orders to their juniors and to all their generals. So that is a very, very important factor. Aur agar aapke andar wo desire hai join karne ki, तो आपको कोई रोक नहीं सकता. प्रोवाइडेड यू इम्प्रूव इज अ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल. अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी, वो बहुत जरूरी है. इसको प्रैक्टिस करिए. अपने आप को जहाँ पर जिस जगह रहें, ट्राई एंड कन्वर्स विद ईच अदर, डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए आपस में. और जब भी मिले, जहाँ पर ही मिले, बजाय अपनी हिंदी भाषा बोलने की, ट्राई एंड स्पीक इन इंग्लिश, मिक्स इंग्लिश. आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो है एटीट्यूड चेंज होगा, पर्सनैलिटी चेंज होगी, एंड यू विल बी एबल टू कम टू दैट लेवल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस फोर्सेस. एनीबॉडी वांट्स टू आस्क मी क्वेश्चंस? सब लोग मेरे से सहमत हैं, कोशिश करें. और इसके बिना कोई चॉइस नहीं. ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 साल रहा हूँ SSB में, मैं देहरादून में रहा, मैसूर में रहा और वाराणसी में रहा. आई वाज द डेप्टी प्रेसिडेंट वाराणसी बोर्ड. और वहाँ से हमने करीबन 4000 इंटरव्यू किए, गर्ल्स बॉयज सबके इंटरव्यू किए, ऑल टाइप्स ऑफ एंट्री, NDA, CDS, AEC, ACC, एवरी काइंड ऑफ इंटरव्यू, एवरी काइंड ऑफ एंट्री. एंड आई हैव रियलाइज दिस दैट विदाउट एन इफेक्टिव पर्सनैलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट सेलेक्टेड. सो दैट पर्सनैलिटी मैं डेवलप नहीं कर सकता, कोई और डेवलप नहीं कर सकता, आपको खुद अपने आप डेवलप करना. जब आप रिटर्न क्लियर कर देंगे तो मैं फिर आऊँगा और आपको बताऊँगा क्या क्या ऑफलाइन क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए. 15 क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे कि कैसी कैसी वो क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी चाहिए, क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कैसे कैसे हम लोग क्या करें कि
पर्सनैलिटी हमारी इम्प्रूव हो और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डिफेंस फोर्सेज की। तरह तरह के टेस्ट उनके आ जाते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग और इंटरव्यू, उस सब मैं आपको सिखाऊंगा।